स्वर्गत सुभाष चंद्र रथ थिले जणे मेलापी और सरल विश्वासी। तांको पाखरे उच्च नीचर नथिला भेदभाव। तांको पाखकु जे कोनोसी व्यक्ति साहाज्य पई जाउथिले से कहारी को खाली हाथ फेराउ नथिले। से निराकारपुर अंचल प्रथम विचार विभागीय मजिस्ट्रेट थिले मध्य तांकर आचार और व्यवहार अति साधारण थिला बोली स्वर्गत रथ को भल पाउथिबा व्यक्ति माने कहिसंती। मंगलवार स्वर्गत रथ निराकारपुर स्थित बासभवन अनुष्ठित प्रथम श्राद्ध वार्षिक अवसर में सारा राज्य विभिन्न कोणर आसीथिबा आत्मीय सूचना मत प्रकाश करिसंती। सूचना योग्य स्वर्गत रथ 14/7/1943 मसीह जन्मग्रहण कर 14/7/2022 इहलीला संवरण करथिले। तांकर चाकरी जीवन रे से ब्रह्मपुर बालेश्वर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर मालकानगिरी आदि अंचल कृतित्वर सह तांकर दायित्व तुलाइथिले। अवसर नेबा पारे खोर्धारे ओकिलाती करी अनेक सहायक लोकों मागणारे आईनी सहायता प्रदान करी खूब जनप्रियता हासिल करथिले। तांकर प्रथम वार्षिक श्राद्ध दिवस अनुष्ठित स्मृति सभा तालचेर अनुगुल भुवनेश्वर कटक पुरी खोर्धा बांकी एवं ब्रह्मपुर अंचल अनेक बंधु और प्रियजन बासभवन में पहुंची फटोचित्र श्रद्धा सुमन अर्पण करने सहित श्राद्ध सभा स्मृतिचारण कर Another is good person. I will tell you a story that once three persons were coming from a dense forest. They were receiving a huge quantity of money. They decided to divide money among them. एहि कार्यक्रम रे तांकर भ्राता रविनारायण रथंग सह देवप्रसाद रथ प्रभात कुमार मिश्र अनिल कुमार पटनायक लिंगराज साहू प्रदीप्त कुमार मिश्र संतोष मिश्र अभय दोरा विकास महांती रामनारायण दास प्रद्युम्न मिश्र आशलता मिश्र और सत्यनारायण रथों समेत बहु व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम हमर गयाग्रह आमर जो बड़दा देवी द्वितीय पुत्र सुभाष चंद्र रथ तर डाक नाम हूँ बुलू से मोर बड़ भाईना हे आज प्रथम श्राद्धवार्षिकी प्रथम मृत्युवार्षिकी तेणु सी बर्तमान आ इहराम नहांती से तांकर इहराम त्याग करी से वर्तमान स्वर्ग स्वर्ग रे बास करछंती। तेणु तांकर माने सी जणे विचारपति थिले तांकर जीवन आरंभ करथिले एवं तांकर आमर ये हिंदू धर्म प्रति गभीर विश्वास रही से आमर हिंदू माने से माने तांकर धर्म को रक्षा करूँ जग्रत हूँ ताकत बहुत थर शुणी सी हिंदू धर्म पर बहुत विश्वास रखुले छड़ा अगाध पांडित्य थिला से विचार विभाग विषय जहाँ कहते विभिन्न जो सब विभिन्न केस आ से सब केस विषय मत बहुत कहते किमता से न्याय प्रदान करते किमता से भाया केस गुड़ाक सब जटिल केस गुड़ा करते तो मोर स्मृति बहुत दिन रही पटनागढ़ थे से मोर भाईना तेणु घर मुझे रही घर बहुत आनंद लगे ता छड़ा बांकी से थे बांकी तरह मत कहले से ड्रेस पिंधिकी जाते कहले अरे तू कौ जाऊ कहे नदी की गाधेक भाईना ना नदी कहीं घरे गाधन मुझे कह नदी में गाधे जो मजा घरे न थाए तेना मुझ नदी की जाऊँ हूँ जा सन्या समय बैडमिंटन खेलती आ देह को फिट रखी जाती से अति समय ठीक निर्दिष्ट समय कोर्टे पहुँचती मुझे कह भाई तुम कौटे बाहर को जाऊ ना नाई रे आम बाहर को जापरबूनि जेहेतु विचारपति आम मैंने आम मैंने सब कम अन्न मान द्वारा करूँ आम मैंने जावा मना ठीक तेणु आज तक जो प्रथम सन्ध अच्छे कि से स्मृतिपटर से गुड़ाक सब पुराणा कथा उठी पार्टी तेणु सी बर्तमान शसर में नहांती से स्वर्गधाम पथर जात्री होती
तेणु तक अभरात्म प्रति मुझे श्रद्धाजलि जगे शांति स्वर्ग में रहा तेणु मुझे श्री जगन्नाथ निकट प्रार्थना कर डॉक्टर रविनारायण दत्त स्वर्गत सुभाष चंद्र रथंकर सान भाई स्वर्गत सुभाष चंद्र रथ आम पर आम चारि भाई भितर से द्वितीय मु तृतीय आम प्रथम विश्वनाथ रथ से आगुरी चली जाइए तापर सुभाष चंद्र रथ मोर ତାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବୁଲୁ ଭାଇ ନାମ ଡାକିଲେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଯିବାର ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସେ 14/7 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 14/7 ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ 80 ବର୍ଷ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବରହମପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଚାକିରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେ ବିତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଥିଲା ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଯଦିଓ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେ ଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଆପଣ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ କଟକ କାଲଚେ ଅନୁଗୁଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଙ୍କୀ ପୁରୀ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୁଣରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ଥିଲେ ଘର ହେଉ ବା ବାହାର ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜନପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଓକିଲ ଭାବରେ ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଓକିଲ ଭାବରେ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋର୍ଟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଅନେକ ଓକିଲ ଯେଉଁମାନେ କି ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଖୁବ୍ ନାମ କମେଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲାବେଳେ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।